बाजार के बिलाईगढ़ में प्रवासी मजदूरों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर 13 लाख रुपए का गमन का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र श्रीवास पर 84 मजदूरों की मजदूरी के फर्जी बिल बनाकर राशि निकाले जाने का आरोप लगा है। गांव के उप सरपंच और आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत पंचायत सीओ से की है। और कम अनुसार से क्या है, नाम पंजीबद्ध करना था लेकिन सरपंच के द्वारा वैसा नहीं किया और 84 लोगों का ऊपर से नीचे करके फर्जी नाम दर्ज किया गया और लाखों रुपए का फर्जी बिल बनाकर पेश कर आरण कर गमन किया गया। वर्तमान सरपंच महेंद्र श्रीवास के द्वारा लाखों रुपए लगभग 13 लाख से अधिक रुपए का फर्जी बिल बनाकर आहरण किया है और कई काम में प्रस्ताव भी नहीं हुआ है ग्राम पंचायत का। कुछ ग्राम पंचायत में जो कुछ कार्य कराए गए हैं गली मरम्मत वगैरह का, वो नियम विरुद्ध किया गया है ना, इसकी जांच किया जाए, जांच करके धारा 40 पर कार्यवाही करने की मांग किया है। वो उसके प्रारंभिक जांच अभी की गई है, 3 तारीख को हम लोग जाँच में गए थे। अभी उसमें सिर्फ सरपंच का बयान लिया गया है और जांच की प्रक्रिया अभी चालू है। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत